कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब चैप्टर का समापन पठानकोट में हो गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस नेत्री टीना चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। पठानकोट तो पंजाब के प्रवक्ता जिहड़े ने टीना चौधरी इत्थे साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल आपां गलबात करदे आं। हाँ जी नमस्कार मैम। बहुत बहुत नमस्कार मैम, स्वागत है तुहाडा टुडे हेडलाइन चैनल उत्ते। बहुत बहुत थैंक यू और तुहाडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैम, तुसीं अज दी जिहड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नूं किस तरह देखदे हो? देखो तुसीं अज दा इकट्ठ देख के कह सकदे हो कि केंद्र सरकार वल्लों जो इहदे हमले बोले जा रहे ने साडे देश दे विच और धर्मां नूं लै के जो लड़ाइयां करवाईयां जा रहीयां, अज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी तो जिहड़ी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की सी, अज उहदी पंजाब दे विच खत्म हो जा रही है और अज पंजाब दी रैली पठानकोट नूं राहुल गांधी जी ने चूज़ किया, जिहदे विच असीं देख सकते हैं कि किन्ना वड्डे पद्धर ते इत्थे इन्ना इकट्ठ होया और लोकां ने इन्ना क ज़्यादा भरपूर जिहड़ा हैगा आश्वासन दिता और साथ दे के राहुल जी दे सड़कां ते उतर के राहुल जी दी इक झलक पाउण लई अज सारी दुनिया राहुल गांधी जी दे नाल चल रही और देश दे विच जिहड़ियां लड़ाइयां दी गल्लां कीतियां जा रहियां उन्हां नूं खत्म करके अज देश दे विच जोड़न दी गल्लां कीतियां जा रहियां। जी मैम, जे गल करिए आपां बेरोजगारी दी, बेरोजगारी जिहड़ी उह वधदी जा रही है पंजाब दे विच, जे गल पठानकोट दी करिए तां इत्थों दे नौजवान पढ़े लिखे दा तां हैगे ने परंतु उह नशियां दे वल जा रहे ने, उहदा की कारण? देखो एक तां एडमिनिस्ट्रेशन दी बहुत वड्डी चूक हैगी है जिथे प्रॉपर ढंग दे नाल अपने जिहड़े कारकाज ने उह प्रॉपर ढंग नाल नहीं भर पाउंदे, जिहदे नाल जिहड़ा चिट्टा सप्लाई हुंदा बॉर्डर तों, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट हैगा और इत्थे कुछ ना कुछ कमियां रहि रहियां जिहदे करके अज इत्थे पहुँच पा रहे और पंजाब दे विच जिहड़े उन्होंने वादे किए सी आम आदमी पार्टी ने, अज एक भी वादा वो पूरा नहीं होया, चाहे मनजीठिया जी दी मनजीठिया जी नूं जेल च करवाउण दा होए या नशा खत्म करन दा होए रोजगार देण दा होए। तुसीं देखो रोजगार दी तुसीं गल कीती है, भगवंत मान जी ने रीसेंटली एक जीरा दी लिकर फैक्टरी नूं बंद करन दे आदेश दित्ते है, बट लीगली जे देखिया जाए सीएम भगवंत मान को राइट्स नहीं हैगे उस जीरा दी लिकर फैक्टरी नूं बंद कर सकन। अगर इस तरह फैक्ट्रियां बंद होंदियां रहियां, इंडस्ट्रियलिस्ट इदां आए ही ना और साडे पंजाब दे सीएम दे नाल मीटिंग करन दी बजाए अज यूपी दे चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी नाल मीटिंगां कर रहे ने, सो सरकार दी बहुत वड्डी चूक आ जिहदे नाल साडा पंजाब दा यूथ जिहड़ा हैगा नशियां वल जा रहा, प्रॉपर ढंग नाल काम नहीं हो पा रहा, नॉन एक्सपीरियंसड मिनिस्टर MLAs बन चुके ने और ऐसे ऐसे लोग अगे आ के काम कर रहे ने जिन्हां कोल एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन दा भी काम नहीं सांभणा आंदा, सो पंजाब एक नकम्मे लोकां दे हत्थ जा चुका जिहदे करके बिल्कुल करना पै रहा। अज मेरे नाल 150 तो ज्यादा महिलावां ने, ओही महिलावां ने जिहड़ियां कह रहियां ने कि असीं घर दे विच रोटी खाण दे वी वांदे पए होए ने, समृति रानी सिलेंडर लै लै के 410 रुपए का इन्ना रोला पाया, अज 1100 तो उत्ते 1150 का सिलेंडर हो चुका, अज वो चुप करके बैठे ने, झूठ बोल रहे ने, झूठ बोल बोल के धर्मां दी लड़ाई लड़ रहे बजाय ये देखण दे कि राहुल जी की टी शर्ट से सवाल चुकया जाए कि इन्हां नूं ठंड नहीं लगती, क्या इस सरकार ने गरीब जनता नूं जिहड़े सड़कां ते बैठे ने कभी उन्होंने पुछया कि तुहाडे तन ते कपड़े पूरे क्यों नहीं हैगे, क्या तुहानूं ठंड लग रही है कि नहीं लग रही, क्या तुहानूं भुख लगती है कि नहीं लगती, रोटी पानी तुहानूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सो यही सवाल दे प्रतीक जिहड़े हैगे राहुल गांधी जी अज खुद सड़कां ते चल रहे ने, सो मेरे ख्याल दे विच पंजाब दे लोकां दे घरां घरां दे विच बहुत अच्छा जो है वो मैसेज पहुँच रहा है। मैडम जे गल करिए आपां भगवा रंग दी, इस रंग दे उत्ते जिहड़ा है काफी ज्यादा विवाद जिहड़ा बीजेपी वल्लों कीता जा रहा है, इहदा की समझदे हो इह विवाद किस हद तक? बीजेपी दी आइडियोलॉजी और RSS दी आइडियोलॉजी नूं असीं कदी मैच नहीं कर सकते, ओह सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व नूं लै के और RSS दी कीतियां नूं लै के ओह बीजेपी दी सरकार चलदी है, नहीं तां अज तक पंजाब दे विच बीजेपी ने कदी सरकार नहीं बनाई और पंजाब एक ऐसा सूबा हैगा जिथे हर लोग उसी शिद्दत दे नाल गुरुद्वारे मत्था टेकदे आ जो हिंदू मंदिरां च जाके मत्था टेकदे ने, दोनों की श्रद्धा सेम हैगी है, इत्थे उन्हां दा नाम दा कारण यही है क्योंकि हर किसी कम्युनिज्म नूं लै के रिलीजन नूं लै के इकट्ठे लै के नहीं चलते, हर किसी नूं वक्खरा वक्खरा दिखाने की कोशिश करते, लड़ाइयां पवाने की कोशिश करते, जिदे करके अज साडे जिहड़े देश विच हिंदू मुसलमानां दा इन्ना मुद्दा चुक। और रही गल रंग दी,
पठान मूवी दे विच किस तरीके दे नाल इहनां ने भगवा रंग नूं लै के बोलिया कि साढ़े जिहड़ा एक ट्रेडमार्क कलर हैगा क्या तिरंगा तिरंगे दे रंग तिरंगा झंडे दे विच साडा कलर नहीं है भगवा रंग नहीं है साडा हक है साडा देश दे झंडे च अगर ओह रंग है ते इह कौन हुंदे ने दसण वाले कि भगवा रंग कौन यूज़ करेगा ते कौन नहीं करेगा जी मैम हुण तुहाडे लोकां नूं की संदेश है इस यात्रा नूं लैके सिर्फ इक्को ही संदेश कि कांग्रेस दी आइडियोलॉजी नूं समझा जावे कांग्रेस इक डेमोक्रेटिक कंट्री दे लई बनी पार्टी है जिथे हर लोकां दे हक्कां दी गल अगे रखी जांदी है उहदे विच इह नहीं देखिया जांदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन ने हर किसे नूं वध चढ़ के चाहे किसान होण चाहे साडे जवान होण हर किसे नूं इक बराबर दे नाल अथॉरिटी दे के आम लोकां दी गल सुण के जिहड़े कि इस सरकार ने हमेशा अच्छा सोचिया और आने वाले समय के बीच भी अगर जनता समझेगी इस चीज को जल्द से जल्द तो कांग्रेस पार्टी का जरूर साथ दे जी मैम जे आने वाले समय की गल करिए तो की लगता है 2024 के जो इलेक्शन ने वो कांग्रेस वालों प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे देखो मोस्टली असी तो जरूर चाहवांगे क्योंकि बीइंग मैं पर्सनली एज अ यूथ होने के नाते मैं चाहवांगी कि यूथ लीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर साडे देश की रक्षा करन क्योंकि उस परिवार तो ने जिथे देश दे कुर्बानियां दित्तियां ने उन्होंने परिवारों ने ते मैनू लगता है कि अगर वो अगे आने पंजाब और पूरा देश उन्होंने जरूर चलेगा।